नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर भारतीय सेना का बलिदान बैच देखा गया और इस मामले को अब इतना उछाला जा रहा है कि सोशल मीडिया सहित मीडिया में भी ये मामला काफी चल रहा है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार। तो मनीष जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है पूरा मामला, क्यों इस मामले को इतना उछाला जा रहा है? सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी को जो है एक सैल्यूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने बलिदान बैच को जो है अपने ग्लव्स पर रखा और लोगों ने सोशल मीडिया में उसे मार्क किया कि धोनी अपने ग्लव्स के ऊपर कौन सा बैच लगाए हुए हैं। ये उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ये उनका अपना चॉइस आउट ऑफ लव फॉर आर्मी, देश देश प्रेम की वजह से उन्होंने ये लगाया। ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, ये कुछ फैंस थे जो मैच के दौरान इन्होंने देखा और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल तो हुआ, तस्वीरें सोशल मीडिया में आ गई, लेकिन जो कलेजा जो है वो फटा पाकिस्तान का और फट से पाकिस्तान ने इसे जो है एक पॉलिटिकल रूप दे दिया। चलो भाई, पाकिस्तान का तो हक बनता है, वो दुश्मन देश है, लेकिन आप ये देखिए एक तरफ जहाँ धोनी की प्रशंसा होनी चाहिए, पूरा देश जो है उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन दो तीन जो हैं उसको कह सकते हैं जयचंदों की कहानी जो है सोशल मीडिया में नहीं आई है। क्योंकि ये हटाने की बात कहाँ से आई, कि जैसे ये मसला सामने आया तो इमीडिएटली आईसीसी ने एक पत्र भेजा बीसीसीआई को और कहा कि रिक्वेस्ट किया, द वर्ड इज रिक्वेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली दो चीज़ें हैं। यह आईसीसी का पत्र लिखने वाला आदमी कौन है? धोनी के ग्लव से उस बैच को हटाने का आदेश देने वाले लोग कौन हैं? जी, इस चीज को समझना जरूरी है। तो शशांक मनोहर साहब जो कुछ दिन पहले तक बीसीसीआई में थे और बहुत सारे गड़बड़ियां की उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांध करके कहा कि तुम लोग यहाँ से निकलो, लेकिन क्रिकेट जैसा मैंने कल भी बताया था एक धंधा है और इस धंधेबाज लोगों का जो है, देखिए आप कि इन लोगों को चूंकि हिंदुस्तान के पास इसका चेयरमैनशिप का अभी टर्न है, इसलिए वो जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकारी CEO वो भी मनु साहनी, मतलब कि ICC का टॉप जो दो बड़े अधिकारी हैं वो हिंदुस्तानी हैं। और बेशर्मी की हद देखिए कि ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप बलिदान बैच हटा दें। क्यों हटाएं? जो BCCI नाम का एक गैंग हुआ करता था जहां सारे घोटालेबाज और पैसे बनाने वाले और जिसको पूरा क्रिकेट का माफिया देश में बना रखा था, उन लोगों ने विनोद राय को के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह से विनोद राय जो है वो फंस जाए, कि वो उनको नियम का और कानून का और ये फैसला करने के लिए मजबूर कर दे कि वो धोनी के ग्लव से जो है वो बैच हटवा दे। लेकिन विनोद राय भी बहुत स्मार्ट आदमी है, ये पूर्व CAG हैं, ये वही आदमी हैं जिन्होंने UPA और कांग्रेस पार्टी का वो कोयला घोटाला और 2G घोटाला और पता नहीं क्या क्या घोटाला को एक्सपोज किया था। तो ये उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि भाई हम नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शर्मनाक इससे भी ज़्यादा आप ये देखिए कि किस तरह का ये माफिया और रैकेट और मीडिया किस तरह से इस पूरे सवाल के ऊपर चला। मैं कल देख रहा था TV, ये जितने भी क्रिकेट रिपोर्टर हैं, ये BCCI और वो जो रैकेट है शशांक मनोहर और रेड्डी और पता नहीं श्रीनिवासन ब्लाबला, ये सारे लोग जितने जो पुराने जो धंधेबाज थे, इन लोगों के ये बाकायदा वो गुलाम किस्म से वो रिपोर्टिंग करते हैं। एक आदमी, एक रिपोर्टर किसी भी चैनल का जो क्रिकेट कवर करता है वो कभी भी इन लोगों के खिलाफ जो है बयान नहीं देगा। अब ये ग्लव्स पे बैच लगाया धोनी ने, प्राउड मसला है, अच्छी बात है कि भाई बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा किसी भी इंडियन का, सब जो सीना जो है वो फूल जाएगा, हमारा जो सिर जो है वो गर्व से उठ जाएगा। लेकिन ये हमारे महान रिपोर्टर्स कल शाम तक टेलीविजन चैनल पे वो ICC के नियम कानून बता रहे थे,
कि ये ऐसा नहीं कर सकते, धोनी ने गलती कर दी, वो नियम का नियम को तोड़ दिया गया है, ये वही वही लैंग्वेज वही बातें कर रहे थे जो आईसीसी, जो इनको ये क्रिकेट रिपोर्टिंग करने वाले जितने जो ये टेलीविज़न रिपोर्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा घोटाला का अड्डा है वो। लेकिन आज तक आपने कभी सुना है कि किसी क्रिकेट रिपोर्टर ने, स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने कोई घोटाला का जो है एक्सपोज किया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग सब उस माफिया के जो है हिस्सेदार हैं। जी मनीष जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़े बहुत लोग इसमें शामिल हैं और धोनी ने कोई गलती नहीं की, आप सलाम भी एमएस धोनी को देना चाह रहे हैं। जैसा कि आईसीसी कह रहा है कि धोनी को पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, नियमों का उल्लंघन एमएस धोनी कर रहे हैं, तो बीसीसीआई, अगर नियमों का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो बीसीसीआई क्यों ये चीज कह रही है कि हम एक खत लिखकर उनको उनसे अपील करने की कोशिश करेंगे कि वो उस बैच को हटाने के लिए ना बोले? देखिए, खत का जवाब तो खत ही होगा जी, फैसला कुछ भी हो, लेकिन जब उन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दिया है तो इधर से फॉर्मल जवाब भी आएगा जी, और इसी तहत जो है वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो आईसीसी से बातचीत करेंगे कि वो किस, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना वो इंसिग्निया जो है, जो बैच जो है, वो नहीं हटाएंगे। और जो जवाब भी उन्होंने दिया है, जो विनोद राय का जो जवाब आया है, वो बहुत ही टेक्निकल ग्राउंड पे बड़ा ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये कोई बलिदान बैज एज सच नहीं है, कोई आर्मी, कोई पल्टन का कोई वो इंसिग्निया नहीं है वो, क्योंकि इसमें बाकी सब चीज़ तो है। अब ये इंसिग्निया में है क्या? इसमें एक डैगर है, डैगर के ऊपर पंख लगे हुए हैं और नीचे बलिदान लिखा हुआ है। लेकिन मार्क करने वाली बात जो है, जो टेक्निकल पॉइंट है, जो विनोद राय ने अपनी चिट्ठी में जो आईसीसी को लिखा है कि धोनी के ग्लव्स पे वो डैगर भी है, पंख भी है, इंसिग्निया भी है, लेकिन वर्ड बलिदान उस पर नहीं लिखा हुआ है सच, इसलिए वो किसी मिलिट्री का बैज या उसका इंसिग्निया नहीं है। ये अपना चॉइस है, वो अपने मन से वो कुछ करना चाह रहे हैं और इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें मार्क करने वाली बात एक और है कि ये इंसिग्निया जो है वो बेसिकली पैरामिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता है। वो वही व्यक्ति लगा सकता है जो पैरामिलिट्री का सदस्य हो, उसमें अधिकारी हो, उसमें वो काम करता हो, उससे वो जुड़ा हुआ हो। तो धोनी साहब तो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो वो पूरी तरह से अधिकृत हैं कि वो उस सिंबल को अपने कपड़े पे, अपने कंधे पे, अपने टोपी के ऊपर या फिर अपने ग्लव्स पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाकायदा उन्होंने कोई नियम कानून का जो है उन्होंने वो कोई नियम कानून को उन्होंने नहीं तोड़ा है। मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनके पास पूरा पूरा राइट है इस बैच को रखने का और वो पूरे तरीके से अधिकृत है, तो फिर किस नियम का हवाला देकर उनको ये बैच हटाने के लिए बोला जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो बैच लगाने का अथॉरिटी है या नहीं, और दूसरा जो मसला, जो पाकिस्तानी जो ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, वो उन लोगों ने एक नया सगुफा छोड़ा है कि चूंकि आईसीसी का एक रूल है कि आप किस तरह से आप बैजेस लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। तो कुल मिलाकर के जो नियम है उसको मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी खिलाड़ी 4 लोगो अपने ड्रेसेस के ऊपर लगा सकता है, लेकिन उसमें प्रतिबंध इस बात का है कि वो कॉमर्शियल ना हो, वो पॉलिटिकल ना हो, वो रेशियल ना हो, और ना ही कोई धार्मिक और ये मैसेज देता हो। कहने का मतलब यह कि कोई कंट्रोवर्शियल मैसेज उस बैज या इंसिग्निया से नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तानियों को लग गया कि भाई ये तो बलिदान लगाया है, अभी पुलवामा में, अब अभी सर्जिकल स्ट्राइक में ये लोग मार खाए हैं, तो ये पाकिस्तान ने इसको कहा कि भाई ये जो है ये मिलिट्री लोगो है। अब भाई मिलिट्री लोगो नहीं है, उसमें बलिदान लिखा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर मिलिट्री लोगो है भी तो उससे कौन सा राजनीतिक मैसेज जा रहा है? वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? दूसरी बात ये कि उससे कोई रेशियल मैसेज भी नहीं जा रहा है, तो ये आईसीसी के मापदंडों के मुताबिक भी ये कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के कुछ जो वो अभी जो
कुछ दिन पहले तक टेलीविजन टीवी पे डिबेट करते थे और अभी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गया है फवाद चौधरी टाइप के लोग, वो महाभारत से उसको जोड़ रहे हैं। उन लोगों को ना महाभारत का पता है, ना ही उसको बैच का पता है, ना ही ऑनर नाम की चीज़ क्या होती है, वो भी उसका उनको ज़रा भी इल्म नहीं है। तो फवाद चौधरी ने कह दिया कि भाई ये तो महाभारत के लड़ने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है। अच्छा भाई, महाभारत होगा तो वो भी देख लिया जाएगा कि महाभारत क्या होता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे तो हैरत इस बात की है कि उसे शशांक ने या फिर मनु साहनी ने आईसीसी में जब उसका प्रोटेस्ट आया तो उसको उसको इमीडिएटली उसको सिरे से खारिज क्यों नहीं किया? उसको तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि हमारे महान रिपोर्टर्स भी सारे लोग जो है वो यही बात कह रहे हैं कि नहीं भाई वो गलती हो गई है, वो आईसीसी का कुछ नियम टूटा है। अरे भाई, कोई आर्मी इंसिग्निया है, कोई सिंबल है, कोई बैच है, ये पॉलिटिकल कैसे है कोई आदमी बता दे? अगर ये पॉलिटिकल मैसेज इससे कैसे जाता है वो बता दे। अगर ये जाता है पॉलिटिकल मैसेज, तो ये जो जितने आर्मी वाले या पुलिस वाले या पैरामिलिट्री वाले ये देश में कैप लगा करके घूमते हैं, वो इंसिग्निया लेकर के घूमते हैं, तो वो क्या पूरे देश में पॉलिटिकल मैसेज लेकर के घूम रहे हैं? कल तो आप फिर ये कहोगे कि भाई आप जो है इंसिग्निया को लेकर के आप किसी विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते। इंडियन आर्मी के लोग अपने जो है वो किसी भी सिविल सोसाइटी के फंक्शन में वो कैप नहीं पहन सकते। ये क्या बकवास है कि आप सीधे सीधे आप कह देंगे कि भाई कि इससे पॉलिटिकल मैसेज आता है? इस बात को लेकर के शशांक मनोहर और मनु साहनी जो आईसीसी के बाकायदा वो चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इनको एक्शन लेना चाहिए था और सिरे से खारिज करना चाहिए था। ये बात इतनी दूर तक जाते ही नहीं। एक कड़ी बात मैं बोल दूंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई क्या है, हमने क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को नमाज पढ़ते हुए देखा है। आईसीसी उसको अलाउ कर सकती है जो बाकायदा रिलीजियस मैसेजेस और बाकायदा वो जो है वो चीज़ दिखाती है। तो जब कोई टीम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आईसीसी के नाक के नीचे ग्राउंड में नमाज पढ़ सकती है, तो कोई आदमी अपने सेना का जिसका वो एक हिस्सा है, जिसका वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो अपना बैच भी नहीं लगा सकता है? ये क्या वाहियात है? ये कौन सी ऐसी कहानी बन गई है और कौन सा ऐसा बड़ा चीज़ हो गया है? मनीष जी, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से इस बलिदान बैच को लेकर लगातार हिंदुस्तान पर और भारतीय टीम पर हमला बोला जा रहा है, तो क्या आपके मुताबिक आपको क्या लगता है 16 जून को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, कहीं ना कहीं वो मैच इसका कारण है? कहीं ना कहीं उसमें हार के डर से पाकिस्तान इतना हमलावर हिंदुस्तान पर हो रही है? पाकिस्तानी बेसिकली वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। वो वैसे लोग होते हैं ना गली मोहल्ले में, कुछ लोग जो कुछ कर नहीं पाते, मारपीट नहीं कर पाते, लड़ नहीं सकते सीधे सीधी, तो वो आपके घर के बाहर जो है रात पे जो है ना कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की हालत वही है। तो ये तो बेशर्मी की हद है इन लोगों की, लेकिन इन लोगों ने कर दिया है, आजमा रहे हैं ये लोग। बहुत सारी और भी शक्तियाँ हैं और इन लोगों के साथ मिलकर ये शशांक मनोहर और मनु साहनी जैसे लोग, ये लोग बिके हुए लोग हैं जो हिंदुस्तान के ऊपर जो है इस तरह का सवाल और धोनी के ऊपर इस तरह का सवाल उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस साजिश का हिस्सा हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सबसे कुछ होने वाला है। हिंदुस्तान बाकायदा खेलेगी और ये जो अब तो इस बार पता नहीं क्यों नहीं टीवी पे चल रहा है वो मौका मौका वाला जो चलता था उसको फिर से चलाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ होना नहीं, उसका रिजल्ट पहले से ही आउट है उस मैच का। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार, जिन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दस्तानों पर भारतीय सेना का बलिदान बैच लगाकर हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है, साथ ही अब एमएस धोनी जनता के सामने एक हीरो बन के उभरे हैं। तो वर्ल्ड कप से संबंधित सभी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।